आपका दोस्त आशीष आपके लिए अपना न्यू वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, शेयर नहीं करा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि मेरे नए लेटेस्ट वीडियो आपको रोज मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपने एडिंग को झुकी को कस्टमाइज कर सकते हैं थोड़े से मोती लगा के। इसके अगले वीडियो में मैं दोस्तों आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको रोज मिले। यहाँ पर ये झुमकी ले रहा हूँ, ये देखिए आप कोई भी झुमकी ले सकते हैं, आपके पास कोई भी झुमकी होगी आप उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, नीचे मोती लगा सकते हैं। मैं आपको सामान दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान यूज़ करा है, आइए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिए हैं रेड मनी वायर, टूल्स, छोटे मोती और झुमकी। सिंपल है दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है बस मेरी पूरी वीडियो को कि मैं क्या कर रहा हूँ और वैसे ही वैसे करते जाना है। वैसे ही अगर आप स्टेप अपनाएंगे तो बहुत इजी है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ ये वायर ली, उसको यहाँ से कट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ एक मणि लिया और छोटे मोती लिए, ये देखिए पिचाई करे हुए। पिचाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये वायर लेनी है, इसमें ऐसे ये मोती डालने हैं, ये देखिए मैं यहाँ तीन मोती डाल रहा हूँ, आप चाहे चार डाल सकते हैं, पांच डाल सकते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे बंद करके ऊपर से प्लास से पकड़ के ऐसे रोल कर देना है, घुमा देना है। घुमाने के बाद इसको प्रेस कर देना है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आपको दिख रहा है वीडियो में दोस्तों। उसके बाद इसको इस मणि के अंदर ऐसे डालना है। मैं दोस्तों आपको ये पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों ऐसे आप इसको इसमें, दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा होने के बाद आपको इसे झुमकी के नीचे ऐसे जो हुक होंगे उनके अंदर ऐसे डाल के, देखिए इसको ऐसे यहाँ फोल्ड कर देना है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका उसे कट कर देना है, ये देखिए। अभी हमें ये ऐसे में पूरे में लगाना है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, मैं दोबारा से ये आपके लिए बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। वायर का वायर को कट करना है, एक दो और ये तीन, तीन मोती लगा के इसको थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ, उसके बाद ऐसे प्लास से राउंड कर देना है, ये देखिए ठीक है। और गले में भी ऐसे ही करना है, देख लीजिए एक दो लिए तीन, देख लीजिए इसको ऐसे फोल्ड करा, नीचे से पकड़ लिया, इसको प्लास से यहाँ से दबा के ऐसे रोल कर दिया। ये देखिए ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं कुछ, ये देखिए
चलिए दोस्तों लगाना स्टार्ट करते हैं। मणि लीजिए, इसमें ऐसे डालिए। ऐसे डालने के बाद झुमकी के नीचे एक के गैप पे ऐसे करके लगा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पर ग्रीन रेड मणि लिए हैं। आप कोई भी मोती ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है। ऐसे ही आपको करते जाना है। मैं ये आपको बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाएँ कि ये कैसे करना है। दोस्तों थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये मणियों के होल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए, ऐसे लगा के इसको मोड़ के फिर ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर हम यहाँ एक और लेंगे। मैंने ये दोस्तों बना के रखे हुए थे इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी चीज़ रिपेयर करनी है। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देख लीजिए, मैंने फिर से एक मणि यहाँ लगा दिया। देख लीजिए, दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं काम तो बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी सिंपल काम है। इस काम को दोस्तों ये देख लीजिए, ये वायर से भी मैंने काटी नहीं, भी काटूंगा फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी झुमकी बन के रेडी है। ऐसे ही आप अपनी किसी भी झुमकी को या किसी भी इयरिंग को डिज़ाइन दे सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। मेरा ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिले। थैंक यू दोस्तों।